ये क्या कह रही थी आप कमाली के बारे में? हाँ, कि वो थोड़े से बेवकूफ हैं, थोड़े से भोले हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अम्मी, वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अम्मी वो मुझे बहुत पसंद है और मैं शादी के लिए दिल से राजी हूँ। अभी ना महरीन की शादी भी सर पर है, लेकिन हम तुम्हारा इंतजार करें। जब तुम आओगे ना तभी हम सब हल्ला गुल्ला करेंगे। हल्ला गुल्ला रे इधर फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला। ओ बाबर, जरा तू मुझे ये तो बता कि तुझे अच्छा लगता है दिन दहाड़े मेरी जवान जहान बेटी के साथ तू गप्पे लड़ा रहा है? किधर है तेरी माँ? दे फोन उसे, खानदानी लोगों का ये काम है। खबरदार जो आइंदा फोन किया इस तरह उजाला को। खाला ये आप क्या कह रही है? मैं तो क्या, जो तू सुन रहा है ना वही कह रही हूँ मैं। ओए साहब को जरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह तेरा इससे बातें करना, समझा है कि नहीं? जी खाला। आइंदा फोन ना करना वरना तेरी माँ को सुनाऊंगी मैं ठीक ठाक। चल रख फोन, खुदा हाफिज। अम्मा या बाबर से कैसे बात कर रही थी? सुना नहीं तूने कैसे बात कर रही थी? लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? वो अब तो अपनी सगी माँ से सवाल करेगी उस नामहरम के लिए है? देख तेरे बाप को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है हरकतें। उसने मुझसे कहा है कि साफ साफ समझा दूं तुझे, उसे ना आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, बस। तुम कैसी हो? ठीक। सुनो, अच्छे लग रहे हो। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। आज़र भाई, वो महरीन आपसे मिलने आ रही थी तो वो मुझे जबरदस्ती ले आई, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है मैं थोड़ी कबाब में हड्डी बन रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आई। अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा, अब मेरी कोई खातिर खिदमत भी तो करें। हुक्म करो। अरसम आ गया। अरे अरसम, क्या हाल है भाई? लगता है किसी की कशिश ने यहाँ खींच लाई है। परी कैसी बातें कर रही? नहीं, मेरा ख्याल है ये सही कह रही है। परी तुम भूल रही हो कि हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, हम शॉपिंग करने जाने हमें। वो कितनी शॉपिंग करेंगे, आप बस भी करें शॉपिंग करना। दादी कहती हैं कि उन्होंने रिश्ते की बात कर ली है, लेकिन इनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई खबर मिली है। और ये आज़र भाई, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इनके इल्म में तो जरूर होता था।